वेलकम बैक यू एरिस्टोक्रेट्स। और आज हम बात करेंगे पिछले हफ्ते की थोड़ी बहुत कार न्यूज के बारे में, फोर्ड के बारे में थोड़ी बहुत बेकार न्यूज है उनके एंट्री के बारे में। और उससे पहले सब्सक्राइब कर लो और एक रियल एरिस्टोक्रेट बन जाओ। 252,000 हो गया, 2 मिलियन कराते हैं। तो आज की जो हमारी पहली न्यूज है कि रोल्स रॉयस स्पेक्टर का इंडिया में लॉन्च हो गया 7.5 करोड़ रुपीज एक्सट्रीम इंडिया के प्राइस में, जो की बिल्कुल नॉनसेंस प्राइस है। इस गाड़ी को अगर आप स्पेक करने जाएंगे 10 करोड़ से नीचे की यह गाड़ी आपको पड़ने नहीं वाली। जिसमें गाड़ी रोल्स रॉयस की पहली इलेक्ट्रिक गाड़ी है और इनकी कूपे गाड़ी है, काफी कूल दिखती है, जिसमें आपको 102 किलोवाट आवर की बैटरी मिलती है, अराउंड 500 किलोमीटर की रेंज मिलती है, 575 हॉर्स पर मिलती है और बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी नहीं है। सामने आपको इस गाड़ी में कैसे क्रोम वाली वही रोल्स रॉयस की आइकॉनिक लुक्स मिलती है। साइड में आपको आज तक के सबसे बड़े 23 इंच के अलॉयज मिलते हैं जो कि किसी भी रोल्स रॉयस में यूज हुए हैं। आपको एकदम कूबे वाली लुक्स मिलती है जो कि रोल्स रॉयस रेथ में भी यूज हो रखी है। और पीछे आपको बढ़िया वुडन इनलेस मिलते हैं इसकी लाइट्स में। और अगर आप इंटीरियर में आते हैं तो आपको वही वाला रोल्स रॉयस का आइकॉनिक इंटीरियर मिलता है, जिसमें कुछ ज्यादा ही बढ़िया लेदर होता है, कुछ ज्यादा बढ़िया आपको सीटें मिलती है। प्राइस कुछ ज्यादा यार ऑब्वियसली 7.5 करोड़ एक्सट्रीम से स्टार्टिंग है और इतने की आपको मिलने नहीं वाली। तो हाँ, अगर आपको लेनी है आप ले सकते हैं, पर मुझे अगर इतने पैसे खर्चने हैं मैं इलेक्ट्रिक रोल्स रॉयस क्यों ही लूंगा भाई, मैं तो बढ़िया V12 इंजन वाली लूंगा, क्या ही रखा भाई ये इलेक्ट्रिक वगैरह में। मेरे दोस्तों, जो आज की हमारी अगली न्यूज है कि जीप ने अपनी कंपस और मेरिडियन का प्राइस इंक्रीज कर दिया है 20 रुपए से। प्राइस क्यों इंक्रीज कर रहा है, ये कह रहे कमोडिटी प्राइस इंक्रीज हो गया, जो कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सारी कंपनीज को एडिशनल प्रॉफिट कमाने हैं क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड में है। और अब अगर आप देखें इस गाड़ी का टॉप एंड स्पेक, मैं खुद देख रहा हूँ भाई, जीप कंपस मॉडल है 4x4 डीजल ऑटोमेटिक लेने का, तो जो टॉप एंड स्पेक है अराउंड 38 लाख रुपीज से भी ऊपर का पड़ता है ऑन रोड डेली में। कुछ महीने पहले, मतलब एक साल पहले 34 का था, 4 लाख रुपए से प्राइस इंक्रीज हो गया है। और मुझे भाई काफी अच्छी डील्स मिल रही है, 19 लाख रुपए के आसपास की मिल रही है, 2 साल पुरानी गाड़ी, लिटरली 50% ऑफ। देखते हैं भाई क्या होता है और कितने की भाई मैं गाड़ी लेता हूँ आपको वीडियो में दिखाऊंगा, बढ़िया मजे आएंगे आपको। फिर दोस्तों, जो हमारी अगली न्यूज है कि वॉल्वो ने इंडिया में ऑफिशियली अपनी 10,000 कार को प्रोड्यूस कर लिया है, जिसमें 2017 में इस ब्रांड ने इंडिया में लोकल असेंबली को स्टार्ट किया था। 6 साल में इस ब्रांड ने 10,000 गाड़ियां इंडिया में प्रोड्यूस कर ली है और बेच दी है, जो कि बहुत ही कम नंबर है। अगर आप देखें 6 साल में 10,000 गाड़ियां, 1500 गाड़ियां पर ईयर, एटलीस्ट ये इसका 10x होना चाहिए नंबर, तब जाके थोड़ा भी सेंसिबल बनता है, क्योंकि भाई इंडिया में ऑलमोस्ट 20% पॉपुलेशन है वर्ल्ड वाइड की। पर बड़े बड़े लग्जरी कार मेकर की ओवरऑल सेल्स में से इंडिया सिर्फ 1 या फिर 2% ही कॉन्ट्रीब्यूट करता है, जो कि बहुत ही बेकार बात है। मतलब मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन वाली कार्स को एक्सेस नहीं कर पा रही, इसलिए भाई थोड़ा इंडिया में प्राइसेस को रिड्यूस करना चाहिए कार मेकर्स को। कार मेकर्स तो क्यों ही करेंगे भाई, गवर्नमेंट को थोड़ा टैक्सेस रिड्यूस करने चाहिए ताकि और लोग इन कार्स को खरीद पाए। फिर दोस्तों, जो आज की अगली न्यूज है कि टाटा कर्व का इंडिया में लॉन्च होने वाला, आपको पता होगा इस गाड़ी की बहुत ही जोरों शोरों से टेस्टिंग चल रही है। और अब एक और न्यूज आ रही है कि आपको पहले पता होगा कि हमें कंफर्मेशन कि टाटा अपनी कर्व के साथ अपना 1.2 लीटर का नया वाला TGDI इंजन लॉन्च करेंगे, जिसमें आपको डिसेंट पावर मिलेगी, डिसेंट आपको फ्यूल इकोनॉमी मिलेगी, जो कि एक्सपेक्टेड है। पर अब न्यूज आ रही है कि टाटा इस वाली कर्व में साथ ही में एक 1.5 लीटर का डीजल इंजन भी लॉन्च करने वाली है, जो कि आपको नेक्सॉन वगैरह में मिलता है, जिससे इस गाड़ी की अप्रोच काफी बढ़ जाएगी और क्रेटा वाले सेगमेंट में ये गाड़ी बढ़िया परफॉर्म कर पाएगी। और टेक्निकली अगर आप देखें इस गाड़ी की प्रोडक्शन कॉस्ट और R&D कॉस्ट काफी कम रहेगी, क्योंकि नेक्सॉन पे बेस्ड है, बस पीछे से लुक्स थोड़ी बहुत चेंज कर दी, तो इसलिए गाड़ी काफी कंपेटिटिवली टाटा मोटर्स प्राइस कर सकते हैं और बढ़िया भाई क्रेटा वगैरह को हरा सकते हैं, हरा तो नहीं सकते यार, एटलीस्ट कम्पीट कर सकते हैं। और टाटा मोटर्स एक्सपेक्ट कर रही है कि इस गाड़ी की 48,000 यूनिट्स बिकेगी इसके IC इंजन वाले फॉर्मेट में और अराउंड 12,000 यूनिट्स बिकेगी इसके इलेक्ट्रिक वाले फॉर्मेट में, तो साल के अराउंड 60,000 गाड़ियों की प्रोडक्शन कैपेसिटी, जो कि मेरे ख्याल से काफी छोटा नंबर टाटा मोटर्स लेके चल रही है। आसानी से ये गाड़ी अराउंड 8-9,000 गाड़ियां बिक सकती है एक सिंगल महीने की और थोड़ी बहुत नेक्सॉन की सेल्स भी खाएगी, तो देखते हैं भाई क्या होता है। फिर दोस्तों, आज की न्यूज है कि महिंद्रा ने अपनी BE 05, 07 और 09 को इंडिया में पेटेंट करा लिया है। अब पता नहीं भाई ये पेटेंट रियल भी है नहीं, क्योंकि कार्टून जैसे लग रहा है थोड़े अजीब से, जिसमें आपको वही ऐसे कूपे वाली लुक्स मिलती है, बड़े बड़े आपको लॉयज मिलते हैं, कनेक्टेड आपके सामने लाइट्स मिलती है और काफी छोटा टाइप का व्हील बेस मिलता है और एकदम ऐसे एंगुलर सी खिड़कियां मिलती है। अब भाई कंफर्म नहीं है कि असली है या भी नहीं, क्योंकि भाई ऐसे काफी कुछ ऐसे लग रहे हैं ना, थोड़े ऐसे कार्टूनिश लग रहे हैं यार, पता नहीं अब भाई क्या ही हो रहा है। और साथ ही में अगर आप BE 5 लें तो उसमें आपको 79 किलोवाट आवर की बैटरी मिलने वाली है, आपको बढ़िया 0 to 100 6 सेकंड के आसपास मिलने वाला है, 500 किलोमीटर की रेंज मिलने वाली है। और मेरे ख्याल से अभी अगर आप देखें तो टाटा मोटर्स से ज्यादा बढ़िया EV स्ट्रैटेजी अभी महिंद्रा की आने वाले सालों में शायद हो सकती है। अभी फिलहाल टाटा मोटर्स ज्यादा बढ़िया परफॉर्म करे EV वाले मार्केट में, महिंद्रा तो परफॉर्म कर ही नहीं रहे, उनकी घटिया EV है, टाटा मोटर्स की तो बहुत बढ़िया परफॉर्म करी है। आने वाले सालों में शायद अगर ये थोड़ा डिसेंट परफॉर्म करने लगे तो थोड़ा अच्छा हो सकता है। पर टाटा मोटर्स के पास वर्टिकल इंटीग्रेशन है, जिसमें ऑलमोस्ट जो टेक्नोलॉजी गाड़ी में यूज होती है, जो सारे रॉ मटेरियल गाड़ी में यूज होते हैं, वो अपनी दूसरी ग्रुप कंपनी से ही सोर्स कर लेते हैं, जिससे भाई काफी बढ़िया उन्हें प्रॉफिट होता है। देखते हैं भाई आने वाले सालों में क्या होता है, कौन बढ़िया परफॉर्म करता है इलेक्ट्रिक मार्केट में। पर अगर आप टेक्निकली देखें तो इंडियन मार्केट में जो इंडियन कार मेकर है परफॉर्म कर रही है। अगर भाई थोड़े भी चाइनीज कार मेकर आ गए इंडिया में, इनका भाई कुछ नहीं होने वाला, लिटरली इंडियन कार मेकर कुछ नहीं कर सकते। सारे चाइनीज कार मेकर के पास वर्टिकल इंटीग्रेशन है और एटलीस्ट 10 साल आगे एज कम्पेयर टू कोई भी इंडियन कार मेकर इलेक्ट्रिक वाले डिपार्टमेंट में, तो ये दिक्कत है भाई, देखते हैं आने वाले सालों में क्या होता है। पर फिर दोस्तों, आज की जो अगली न्यूज है, टाटा मोटर्स ने अपनी पंच EV को इंडिया में लॉन्च कर दिया, जिसमें इस गाड़ी का बेसिक वाले मॉडल का प्राइस है 11 लाख रुपए,
ओपन स्पेक का प्राइस है 14.5 लाख रुपए एक्सट्रीम इंडिया, जो कि मेरे ख्याल से काफी डिसेंट है, काफी वैल्यू फॉर मनी है, क्योंकि आपको 14.5 लाख वाले प्राइस में अराउंड 400 किलोमीटर की रेंज मिलती है। और काफी लोग कह रहे हैं कि टाटा पंच ईवी एक ज्यादा ओवरऑल बढ़िया प्रोडक्ट है एज कम्पेयर टू नेक्सॉन ईवी, क्योंकि इसका साइज छोटा है तो ये गाड़ी ड्राइव काफी बढ़िया परफॉर्म करती है, और क्योंकि ये गाड़ी हल्की भी है तो इसलिए रेंज भी काफी बढ़िया ऑफर करती है। तो इसलिए मेरे ख्याल से नेक्सॉन ईवी अगर आप लेने का सोच रहे हो ये गाड़ी ले लो, ज्यादा बढ़िया है। आपको फीचर ऑलमोस्ट सेम मिलते हैं, साइज थोड़ा छोटा मिलता है, लेकिन भाई रेंज वगैरह अगर आपको सही मिल रही है क्या ही दिक्कत है। और ऊपर से इसके ऊपर अगर आपको इंसेंटिव वगैरह मिल जाए 3-4 लाख रुपए के, तो 10 लाख रुपए की आपको गाड़ी पड़ने वाली है, तो इससे सस्ता क्या ही लोग है। फिर दोस्तों जो आज की अगली न्यूज है कि भारत मोबिलिटी शो इंडिया में होने वाला है, ऑटो एक्सपो का ऑल्टरनेटिव आप कह सकते हैं, और उसमें मर्सिडीज अपनी EQG को डिस्प्ले करेंगे, जिसमें आपको बढ़िया 500 किलोमीटर की रेंज मिलती है, टैंक टर्न मिलता है, डिब्बे वाली लुक्स मिलती है मर्सिडीज वाली, और स्क्वायर पीछे स्टेपनी मिलती है। अब इस स्क्वायर स्टेपनी का ये मतलब नहीं है कि गाड़ी में आपको स्क्वायर अलॉय मिलने वाला है, वो भाई थोड़ा स्टाइलिंग के लिए दे दिया। तो ये गाड़ी काफी अच्छी होने वाली है, इसका इंडिया में लॉन्च होगा, 3 करोड़ की होगी ऑब्वियसली इंडिया में, कुछ देखते हैं भाई क्या होता है। वैसे मेरे ख्याल से जी क्लास कुछ ज्यादा ओवररेटेड गाड़ी है, पर क्या करें यार, लोग तब भी ले रहे हैं। और फिर आज की जो अगली न्यूज है कि लैम्बोर्गिनी ने इंडिया में रिकॉर्ड गाड़ियां बेची है पिछले साल 2023 में, जिसमें इस ब्रांड ने 103 गाड़ियां बेची है, जो कि अगर आप देखें बहुत ही कम है। इस ब्रांड ने ओवरऑल पूरी दुनिया में अराउंड 10,000 गाड़ियां बेची है, अगर आप उसका देखें परसेंटेज वाइज तो सिर्फ 1% गाड़ियां इंडिया में बिकी है। तो भाई ये तो बहुत ही कम है, क्योंकि इंडिया में भाई ऑलमोस्ट 20% पॉपुलेशन है पूरी दुनिया की, और सिर्फ 1% गाड़ियां बिकी है लैम्बोर्गिनी की, जो कि मेरे ख्याल से मेनली टैक्सेस की वजह से है। अगर टैक्सेस ना होते तो सारी गाड़ियों का प्राइस आधा होता, और जो कस्टमर बेस है ऑलमोस्ट 3 या 4x हो जाता। जो बंदा अभी भाई GLS खरीदने का सोच रहा है वो लैम्बोर्गिनी हरकन ले लेता, तो इसलिए भाई काफी बड़ा डिफरेंस है, पर चलो क्या करे। और फिर दोस्तों जो आज की अगली न्यूज है, थोड़ी बैड न्यूज है या फिर थोड़ी गुड न्यूज है पता नहीं, कि फोर्ड से एक कस्टमर ने पूछा कि क्या भाई आप क्या कर रहे हो आने वाले दिनों में, क्या इंडिया में कोई नई गाड़ी लॉन्च होने वाली है, क्या बातचीत बैठ रही है भाई इंडिया में। तो इसके ऊपर फोर्ड ने एक रिप्लाई करा जो कि आपको पढ़ के सुनाता हूँ। थैंक यू फॉर कॉन्टैक्टिंग फोर्ड इंडिया, वी थैंक यू फॉर चूजिंग आर प्रोडक्ट, वी अप्रिशिएट द टाइम यू हैव टेकन टू राइट टू अस, वी हैव नोटेड डाउन द कंटेंट्स ऑफ योर मेल, वी विश टू इन्फॉर्म यू दैट एट प्रेजेंट वी आर नॉट इन अ पोजीशन टू कमिट अ लॉन्च, काइंडली बेयर विद अस, अश्योरिंग यू ऑफ आर बेस्ट सपोर्ट ऑलवेज, थैंक यू मिताली दास, फोर्ड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कस्टमर रिलेशन सेंटर। तो भाई फोर्ड शायद इंडिया में ना लॉन्च हो अगर आप इस वाली मेल से जाए, पर भाई ऑब्वियसली वो ये मेल करेंगे, ऑब्वियसली भाई कस्टमर को थोड़ी बता देंगे कि भाई हमको ये गाड़ी लॉन्च करने वाले अगले 2-3 महीने में, तैयार हो जाओ अपने पैसे लेके, अपनी पेटियां तैयार कर लो, ऐसा ऑब्वियसली कुछ नहीं होने वाला। अगर आप कोई भी कंपनी को मेल करो, अगर आप टाटा मोटर्स को भी मेल करो कि भाई कर्व का बताओ भाई क्या प्राइस होने वाला है, मुझे बुक करानी है, वो भी ऑब्वियसली भाई कहेंगे ना अभी कोई प्लान नहीं है कर्व के लॉन्च का भी, भाई पता नहीं कब लॉन्च करेंगे, अभी कुछ कंफर्म नहीं है। तो इसलिए भाई डरने की बात नहीं है, फोर्ड इंडिया में लॉन्च होगी, एंडेवर इंडिया में लॉन्च होगी, वेरी वेरी गुड, 50-60 लाख के प्राइस में, सब पैसे तैयार रखना। भाई मैं बुक करा लू क्या फोर्ड एंडेवर नई वाली? और अब अगर आप देखिए काफी ज्यादा चांस बढ़ रहे हैं कि फोर्ड इंडिया में शायद एक इलेक्ट्रिक ओनली कार मेकर भी बन सकते हैं, क्योंकि सिर्फ इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में ही अपने नए वाले टैलेंट को हायर, तो भाई हो सकता है सिर्फ मस्टैंग मार्क की लॉन्च हो या फिर F-150 लाइटनिंग, वो तो लॉन्च नहीं होने वाली, लाइटनिंग तो लॉन्च नहीं होगी, वो सिर्फ एक अमेरिकन प्रोडक्ट है। पर मेरे ख्याल से भाई काफी चांस है फोर्ड इंडिया में लॉन्च हो सकता है, CKD के फॉर्म में अपनी गाड़ियों को बना सकता है, 500 करोड़ का प्रॉफिट ऑलरेडी अपनी फैक्ट्री से बना रहा है, थोड़ा और भी बना सकता है। यही था आज की वीडियो में, अगर आपको पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना।